हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज इस कंप्यूटर ग्राफिक्स के सब्जेक्ट के अंदर जो सेक्शन चल रहा है हमारा हिडन एंड विजिबल सरफेसेस, उसके अंदर फर्स्ट एल्गोरिथम करेंगे बैक फेस रिमूवल एल्गोरिथम। ठीक है जी, तो इसमें सबसे पहले ये देखते हैं कि जो बैक फेस रिमूवल मतलब बैक फेस क्या है, इसका क्या मतलब है। सिंपल सा मीनिंग है, ये एक ऑब्जेक्ट है आपके पास, ठीक है, ये डस्टर है, तो इसमें बैक फेस क्या होगा, जो चीज मुझे नहीं दिख रही बेसिकली हिडन है, ये पीछे की चीज, ये टॉप, ये बॉटम या साइड की, जो भी अगर आपको ना दिखे तो वो भी, तो वो क्या हुई इस केस में बैक फेस। उसको हम क्या करेंगे, इस एल्गोरिथम की हेल्प से डिटेक्ट करेंगे कि कौन सा बैक फेस है और उसे रिमूव करेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर जो पॉइंट्स आते हैं, पहले इस चीज को देख लो कि बैक फेस रिमूवल एल्गोरिथम काम कब करेगा एग्जैक्टली। ये नहीं कि हर जगह इसको हम यूज कर सकते हैं, ये काम कब करेगा, ये काम करेगा आपका तब, सपोज कर लो ये आपका डस्टर और ये पेन है, ठीक है जी, तो अगर ये दोनों अलग अलग पड़े हैं तो ही ये काम करेगा और अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। दूसरी चीज, ये काम कैसे करेगा उसके बाद, पहली चीज तो ये होगी कि दो ऑब्जेक्ट अलग अलग पड़े हैं, ओवरलैप नहीं कर रहे, ठीक है जी। दूसरी चीज कि ये जो सिंगल ऑब्जेक्ट होगा, चाहे आप ये कंसीडर कर लो या ये पेन कंसीडर कर लो, तो इसकी जो भी फेसेस होगी, साइड्स होगी, पॉलीगन्स होगी, उनको आपस में कंपेयर करेगा, कुछ प्रॉपर्टीज देखेगा, तब काम करेगा। ये नहीं कि इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को इससे मैच करेगा, नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग पड़ी है। कोहेरेंस के अंदर हमने ये भी देखा था, जस्ट लाइक इस फेस को इससे कंपेयर कर लेगा, ये कुछ और कंसेप्ट लेगा, बट ये नहीं कि इस ऑब्जेक्ट को उठाएगा और इससे कंपेयर करना शुरू कर देगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये जो हमारा एल्गोरिथम है बैक फेस रिमूवल एल्गोरिथम, ये अप्रोच कौन सी यूज करता है, हमारी ऑब्जेक्ट स्पेस मेथड, जिसके अंदर क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट के डिस्क्रिप्शन को यूज करते हैं हम और देखते हैं कि बैक फेस कौन सा या हिडन सरफेस कौन सा है, सिंपल सी चीज। अब एक चीज बता दूं, इसको करने के लिए ना इसने तीन तरीके बताए, बेसिकली ज्यादा भी है बट बेसिकली मैं हन एंड बेकर यूज बुक फॉलो कर रहा हूं, जहां पे तीन तरीके हैं, उन तीन तरीकों में जो बेसिकली पॉइंट यूज किया गया, जो कंसेप्ट यूज किया गया वो एक ही है, तीन तरीकों में कंसेप्ट एक ही यूज किया गया बट अलग अलग वे में। उसको समझते हैं कि पहले बैक फेस रिमूवल में पहला तरीका क्या है, इसके अंदर हम क्या देखते हैं, एक डायग्राम की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, उसी को यूज करेंगे हम। सपोज करो एक मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया, 3D ऑब्जेक्ट ले रहा हूं मैं यहां पे भी, पहले ठीक है, और ये मेरा कोई कैमरा ले लो या कुछ भी ले लो, ठीक है, हाँ ये अभी ले लिया। अब पहला मेथड में क्या होता है, वो ये कहता है कि सपोज कर लो ये ऑब्जेक्ट है, इसकी 6 साइड हो गई, ठीक है, किसी भी साइड पे, या हमें ये देखना है कि सपोज कर लो ये पॉइंट ले लिया मैंने, ठीक है, इस पॉइंट को मैंने मान लिया एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेटर, ध्यान से समझना, अगर एक ही समझ गए तो दूसरा तीसरा कुछ नहीं है, बस उसकी थोड़ी सी हमारे पास जो इक्वेशन है या कुछ भी है वो अलग है, ठीक है। वो क्या कहता है कि आपने एक ऑब्जेक्ट ले लिया और ऑब्जेक्ट में आपको ये क्या देख रहे हो, कोई पॉइंट देख रहे हो, ठीक है, उस पॉइंट का क्या मतलब होता है, सपोज कर लो ये मेरा क्या हो गया एक्स वाई जेड, जो भी कोऑर्डिनेट सिस्टम हम ले रहे हैं, ठीक है, जो भी हमारा है, ये पॉइंट हम सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या ये पॉइंट इस जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसमें है या नहीं। मैंने क्या कहा, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि एक्स वाई जेड जो पॉइंट है वो हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर आता भी है या नहीं, किसी सरफेस पे लाई करता है या भी नहीं, ठीक है जी। उसको कैसे करेंगे, उसके लिए हम एक सरफेस की जो हमारे पास इक्वेशन होती है, ए एक्स प्लस बी वाई सी जेड प्लस में डी, ठीक है, एक्स वाई जेड तो कोऑर्डिनेट हो गए जो हम पॉइंट के में मिले होंगे, साथ ही सरफेस के जो भी हमारे पास ए बी सी डी कोफिशियंट होंगे वो डालेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर मेरी वैल्यू
लेस देन जीरो आई, उसका मतलब क्या होगा, ये जो पॉइंट है ये हमारे इस ऑब्जेक्ट में किसी ना किसी सरफेस के अंदर है, मतलब ये पॉइंट क्या हो गए, इनसाइड सरफेस हो गए। ठीक है जी, पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि हमें क्या करना है, इस एक्स वाई जेड के पॉइंट को लेंगे, इस इक्वेशन में डालेंगे, ये अगर लेस देन जीरो आई तो हमें ये पता चल गया कि हाँ ये जो पॉइंट है हमारे किसी ऑब्जेक्ट के अंदर ही है। सपोज अगर मैं ये पॉइंट लेता तो ये तो कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो क्या होगा, यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू जीरो होगा, जहां पे हमें पता चल जाएगा कि प्लेन में तो है किसी ऑब्जेक्ट में नहीं है। ठीक है जी, अब ये चीज तो पता चल गई इसके अंदर कि हाँ भाई ये पॉइंट क्या है, इस ऑब्जेक्ट में है। अब ये पता करना है हमें कि मैं ऐसे देख रहा हूं, ठीक है जी, कैमरे से ऐसे देख रहा हूं, तो क्या ये पॉइंट मुझे दिखेगा भी या नहीं दिखेगा। सबसे बड़ी बात तो ये, ऑब्जेक्ट में तो पता चल गया पॉइंट है, बट ये देखना है ना कि कैमरा है जो, ये जो मेरा जो भी कैमरा ले लो, डिवाइस ले लो, कुछ भी, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं यहां पे, प्रोजेक्शन प्लेन कह सकते हैं, ठीक है, जो इसका एग्जैक्टली नाम है, व्यू प्लेन, प्रोजेक्शन प्लेन, कुछ भी, क्या ये इस कैमरे से फोटो खींचूंगा तो क्या ये दिखेगा, तो उसको कैसे चेक करेंगे, तो उसमें वो कहता है कि अगर इस पॉइंट की डायरेक्शन, ठीक है, वो बिल्कुल क्या हो, हमारी मैं एग्जैक्टली लाइन बताऊंगा आपको, सेम हो जो हमारी व्यू की डायरेक्शन है, यहां से मैं व्यू कर रहा हूं, इसकी डायरेक्शन और इस पॉइंट की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो हम क्या कहेंगे कि भाई ये चीज हमें नहीं दिखेगी। मतलब क्या हुआ, ये हमारा बैक फेस हो जाएगा जी, जिसका मतलब क्या है कि भाई मुझे पता चल गया कि ये फेस हमारा बैक फेस है, अब मुझे इसको आगे इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं, जो सिर्फ फ्रंट फेस होंगे, विजिबल होंगे, सिर्फ उसको भेजेंगे। ठीक है, तो उसके एग्जैक्टली क्या है कि ये जो पॉइंट है, एग्जैक्टली मैं लाइन से बोलता हूं, अलोंग द लाइन ऑफ साइट ऑफ पॉलीगन हो, तो अलोंग द लाइन ऑफ साइट ऑफ पॉलीगन, अलोंग द लाइन ऑफ साइट ऑफ पॉलीगन, जो हम चीज देख रहे हो उसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन सेम है, जिसका मतलब क्या हो भाई, ये चीज हमें नहीं दिखेगी। ठीक है, सिंपल चीज, जल्दी बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, नहीं तो बच्चे बोलते हैं बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी वीडियो बनवाते हैं यार, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो देन नेक्स्ट पॉइंट आता है, इसके अंदर इसी कंसेप्ट को यूज करेंगे अभी, वो कहता है कि अब आप एक्स वाई जेड को भूल जाओ, ये ऑब्जेक्ट है मेरा, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये क्या है मेरा, एन नॉर्मल वेक्टर, इस नॉर्मल वेक्टर, ठीक है, इस फेस पे, इस पॉलीगन पे, देखो इस वाले पॉलीगन पे, मैं मार्क नहीं कर रहा अभी, समझ जाओ, इस वाले पॉलीगन पे इसकी डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्मल की डायरेक्शन ये है, ये फेस अगर ऐसे मैं देख रहा हूं तो ये फेस की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। ठीक है, व्यू कहां से कर रहा हूं, यहां से कर रहा हूं, एक्स वाई जेड को एक तरीके से मान लो एन से ही चेंज कर दिया, बस अपने समझने के लिए। तब क्या कहता है यहां पे कि अगर हमारे पास वी डॉट एन ग्रेटर देन जीरो हो, ठीक है, वी डॉट ग्रेटर देन जीरो हो, तो हम क्या कहेंगे, हमारा बैक फेस जो है वो क्या हो गया यहाँ पे, सॉरी हिडन में आ गया, मतलब ये जो सरफेस है, ये जो पॉइंट है, कुछ भी कह सकते हो, ये मेरा क्या हो गया, हिडन में आ गया। ठीक है, इसको मैं प्रैक्टिकली आपको बताता हूं, इसका दूसरा क्या फंडा, इसी के अंदर इसमें क्या होता है, हम बेसिकली एंगल लेते हैं, वी डॉट एन में क्या होता है, एंगल लेते हैं। ठीक है, एंगल में क्या होगा कि वी डॉट एन हमारे पास लेते हैं हम वी, बेसिकली एन एन ऐसे ले लो और कॉस थीटा ले लो। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि अगर मेरी वैल्यू कॉस थीटा में ग्रेटर देन जीरो और लेस देन या इक्वल टू जीरो आएगी, तो ये मेरा क्या होगा, बेसिकली बैक फेस आ जाएगा। ठीक है, सेम इस कंडीशन में बैक फेस के लिए, अभी मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल दूंगा, बस इसको देख लो एक बार, और अगर या हम इसको कह सकते हैं कि जो थीटा है हमारा, ठीक है, लेस देन इक्वल टू जीरो और या सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो या लेस देन इक्वल टू पाई बाय टू, मतलब कि 90 डिग्री होगा, तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारा क्या है, सेम इसी को बताया गया बैक फेस। ठीक है,
इसको प्रूव करते हैं बड़े ही मतलब किसी कैलकुलेशन से ही नहीं, सिर्फ एक एग्जांपल से, ठीक है। कैसे, बड़ा ये प्यारा एग्जांपल है मेरे पास डस्टर का। ये क्यूब को समझ लो, ये है, ठीक है। अब इसके अंदर ये जो साइड है, ये पीछे वाली साइड है, इस एन को मान लो, ये जो कोई मैं ऐसे ले रहा हूं, ठीक है, इसको प्रूव करते हैं इस एंगल पे। आपको ये चीज पता होनी चाहिए, अगर आप सामने से ऐसे देख रहे हो, ये फेस आपको दिख रहा है, तो आपके और इसके बीच में एंगल कितना है आपको पता है, 180 डिग्री, ठीक है। अभी इसको बस रखिए समझ के, अब इसको प्रूफ करते हैं। और अगर ये चीज और ऐसे है, आप इसको देख रहे हो, ये फेस का एंगल ये है, तो आपका एंगल और इसका एंगल क्या होगा, इसके बीच में एन ऐसे है और ये भी ऐसे है, तो ये क्या होगा, 0 डिग्री, ठीक है। इसको प्रूव करते हैं कि ये कहता है कि अगर थीटा का एंगल 0 या 90 डिग्री होगा तो चीज मुझे नहीं दिखेगी। ये एग्जांपल ले रहा हूं, यहां पे ये जो पॉइंट है ये क्या है, एन मतलब वेक्टर नॉर्मल निकाला। ये जो आप देख रहे हो ऐसे, ये क्या है, इस फेस की बात नहीं कर रहे, डायरेक्शन की बात करो, मतलब आप व्यू कर रहे हो, ठीक है जी, कैमरे से सिर्फ इतना देखो। आपको ये चीज पीछे की क्यों नहीं दिख रही, क्यों, क्योंकि आपका एंगल क्या है, 0। ये नॉर्मल ऐसे निकल रहा है, यहां से निकल के पीछे जा रहा है, आपके यहां से एंगल 0 हुआ, तो मुझे चीज नहीं दिख रही है। बिल्कुल सही कह रहा है। ये चीज आपको कब दिखनी शुरू होगी, जब आपका एंगल क्या होगा, 90 डिग्री से ऊपर हो जाएगा। इस नॉर्मल को मैं क्या करूंगा, अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं जो है इसको यूं घुमाना शुरू करूंगा, तो ये क्या होगा, ये अभी 0 है, इसको धीरे धीरे मैंने किया तो ये क्या हो गया, यहां पे अब 90 डिग्री, ये ऑब्जेक्ट यूं घूम के यूं आ गया। अब मेरा क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट घुमा यू बना, तो ये एन जो था मेरा, एन सॉरी यहां पे लिखूंगा मैं, ठीक है, ये पॉइंट यहां पे आ गया। अब ये देखो, ये और ये 90 डिग्री, ठीक है जी, 90 डिग्री हो गया, बट 90 डिग्री में भी नहीं दिखेगा, वो यही तो कह रहा है, 90 डिग्री में भी नहीं दिखेगा। ये चीज होके अगर ऐसे आगे, क्या आपको दिख रही है, नहीं दिख रही, बट ये 90 से ज्यादा हो गई, तो मतलब ये चीज अगर ऐसे रोटेट हो गई, मान लो अभी, ठीक है, अगर ये चीज ऐसे रोटेट हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ये पहले जो वी पॉइंट और जो एन एक साथ पड़े थे, ये ऐसे घूम के 90 पे आए, अब ये यू घूमेंगे, मतलब एंगल बड़ा हो रहा है। ये 90 डिग्री था, पहले 0 था, ये घूम के 90 हुआ, अब इसको मैं 90 से ज्यादा कर रहा हूं, इधर ला रहा हूं। ये चीज आपको क्या होगी, विजिबल होनी शुरू होगी, जैसे एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होना शुरू हुआ। मैंने क्या कहा था, ये आपको कब दिखनी शुरू हो जाएगी, एग्जैक्टली एंगल क्या हुआ आपको, बिल्कुल ये एंगल आपको यू 180 डिग्री जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, देखो 90 से कब दिखनी शुरू हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगा एंगल, कुछ ना कुछ तो दिख रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली 180 हो जाएगा, तो बिल्कुल वो आपको चीज एग्जैक्टली दिखेगी, वो चीज यहाँ पे हमने प्रूव कर दी, ठीक है। तो एंगल जैसे बड़ा हो जाएगा, मेरी चीज मुझे विजिबल होनी शुरू हो जाएगी, मतलब वो सरफेस विजिबिलिटी में आ जाएगा, ठीक है जी। तो दूसरा पॉइंट हमारा ये आता है, इसको ऐसे कर लीजिए, देखो वही चीज है, एक्स वाई जेड को एन में कन्वर्ट कर दिया। देन हमारे पास तीसरा पॉइंट जो आता है, वो आता है कि जब मैं इस ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्शन प्लेन में कन्वर्ट कर लेता हूं, अभी तो सिर्फ फिजिकल कोऑर्डिनेट है इसके, ठीक है, प्रोजेक्शन प्लेन में कन्वर्ट कर लिया, वी के भी मैंने क्या ले लिए, इसके इंटरनल जो हमारे पास पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि एन का ले लिया, एन हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए आई बी जे सी के, ठीक है जी, जो आई जे के होते हैं हमारे, आई जे और के यूनिट वेक्टर होते हैं हमारे, ठीक है, एन नॉर्मल वेक्टर, इसके अंदर आई जे के हमारे यूनिट वेक्टर, ए ए बी सी हमारे क्या हो गए, कोफिशिएंट हो गए। वैसे ही वी के इसमें क्या हो जाएंगे हमारे पास, 0 0 V Z, ठीक है जी, 0 0 क्यों हो गया, जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो हम अलोंग जेड एक्सिस देखते हैं, चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कुछ भी हो सकती है, बट अलोंग जेड एक्सिस देखते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एक्स और वाई के जो पॉइंट्स होते हैं वो 0 हो जाते हैं, ठीक है यहाँ पे। अब इसमें थर्ड पॉइंट में वो क्या कहता है कि हम अगर इसको लिखे वी डॉट एन इज इक्वल टू, इसमें क्या लेंगे, वी में बचा 0 0, ये तो 0 हो जाएगा, तो वी जेड आएगा, डॉट सी, यहाँ पे हमारे पास ये 0 0 इनसे मल्टीप्लाई होंगे, तो 0 0
देन क्या होगा सी के सी आएगा बेसिकली यहां पे जो होगा हमारा पॉइंट। अब ये कहता है इसके अंदर अगर मैं पॉइंट देख लेता हूं कि इसके अंदर जो सी का साइन है साइन ऑफ सी क्या करेगा बेसिकली डिसाइड करेगा कि क्या बैक फेस है या विजिबल सरफेस है। ठीक है विजिबल फेस है इसमें कैसे करेंगे इसके अंदर रुक जाइए मिनट। इसमें ये साइन जो सी है वो डिसाइड करता है जैसे कि मैंने कहा कि बैक फेस है विजिबल सरफेस है बट कैसे इसको समझते हैं। वो कहता है यहां पे कि अगर सपोज कर लीजिए मैं व्यू कर रहा हूं अलोंग नेगेटिव जेड डायरेक्शन में यहां लिख देता हूं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इफ वी आर विंग अगर हम देख रहे हैं अलोंग नेगेटिव जेड डायरेक्शन ठीक है तब क्या होगा इसका मतलब क्या हुआ सपोज करो ये मेरा ये ऐसे है अगर मैं ये एरो बना रहा हूं इसका मतलब क्या हुआ बेसिकली ये इस तरीके से मान लीजिए ठीक है ये मेरा एक्स वाई कुछ हो सकता है ये इसको मैं अगर ऐसे देख रहा हूं तो ये जेड ये नेगेटिव जेड तो अलोंग मैं क्या कर रहा हूं नेगेटिव जेड डायरेक्शन के व्यू कर रहा हूं मतलब मैं बैठा यहां कहीं हूं मेरी आईज कहां है जेड एक्सिस के तरफ है और मैं देख किस तरह हूं नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ देख रहा हूं तब ध्यान से सुनिएगा मैं बैठा जेड एक्सिस पे हूं और देख कर रहा हूं नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ यू देख रहा हूं ठीक है तब इस केस में ध्यान से सुनिएगा इस केस में क्या होगा कि अगर मेरी साइन सी की वैल्यू जो है इसमें सी लेस देन जीरो आती है तब हम क्या कहेंगे ये मेरा क्या है बैक फेस। इवन अगर ये इक्वल टू भी हो जाएगी तो क्या होगा तब भी बैक फेस होगा वही एग्जांपल है टॉप पे आ जाएगा तो वो ग्रेजिंग हो जाएगी झुकनी हिडन ही रहेगी ग्रेजिंग वर्ड यूज किया जाता है बेसिकली आपको वो एग्जैक्टली व्यू में नहीं आएगी ठीक है जैसे ही वो एक डिग्री भी ऊपर से इधर हुआ तो आपको दिखना शुरू हो जाएगा ठीक है। तो यहाँ पे क्या था कि अगर मेरी डायरेक्शन नेगेटिव जेड डायरेक्शन की तरफ है की तरफ देख रहा हूं मतलब मैं जेड एक्सिस पे बैठा हूं नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ देख रहा हूं ये हमारा आता है राइट हैंडेड के अंदर जब हम इसमें राइट हैंडेड और नेगेटिव राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड का सिस्टम होता है जो आपको पता ही होगा उसमें क्या होता है हम जेड एक्सिस के अलोंग देख रहे हैं तो साइन सी सी की वैल्यू होगी लेस देन और इक्वल टू जीरो भी तो बैक फेस होगा अदरवाइज क्या होगा हमारा ये क्या होगा विजिबल होगा मतलब कि मैं पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ से देख रहा हूं मतलब मेरी डायरेक्शन क्या हो जाएगी पॉजिटिव की तरफ हो जाएगी और नेगेटिव की तरफ बैठा था मतलब मेरी आईज यहां पे है और मैं ऐसे देख रहा हूं ऑब्जेक्ट कहीं पे यूं पड़ा है ठीक है जी इस तरफ है तब क्या होगा कि साइन सी जो है ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तो बैक फेस होगा ठीक है अदरवाइज मैंने लिख दिया ठीक है। तो ये तीन तरीके थे इस तीन तरीकों से बेसिकली एक ही चीज को तीन तरीकों से बताया गया बैक फेस मतलब हिडन सरफेस आपने निकाला उसकी इंफॉर्मेशन आगे देने की जरूरत नहीं जिससे क्या होगा रेंडरिंग टाइम कम लगेगा प्रोसेसिंग कम होगी तो जल्दी चीज इमेज जनरेट होकर हमारे पास आएगी। इसका एक ड्रॉबैक होता है हमारे पास बेसिकली जो कर लीजिए आप ड्रॉबैक में क्या होता है कि ये पार्शली हिडन सरफेसेस जो होंगे ना उनके लिए बेसिकली अच्छे वे में काम नहीं करेगा ठीक है जी जैसे कि एग्जांपल आपके पास है यही एग्जांपल काफी बार यूज किया गया है ऐसे ये थोड़ा सा हमारा क्या है पार्शली हिडन है शेडो पड़ रही है कुछ दिख नहीं रहा हमें एग्जैक्टली तो ये इन चीजों पे काम नहीं करेगा जो प्रॉपरली हिडन हो या विजिबल हो उन्हीं पे काम करेगा। दूसरा पॉइंट ड्रॉबैक का नहीं है इस चीज का है कि 50% ये हमारे एल्गोरिथम में यूज होता है क्यों क्योंकि 50% हमें ये चीजें निकाल के दे देता है कि कौन सा हिडन है कौन सा हमारा विजिबल है ठीक है। तो जल्दी से कर लीजिए बैक फेस रिमूवल एल्गोरिथम। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा जल्दी से नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। नोट्स जल्दी डाल दूंगा वीडियो के नीचे लिखा भी आ जाएगा जब डल जाएंगे कि यू कैन डाउनलोड द वीडियोस लिंक इन डिस्क्रिप्शन समथिंग लाइक दिस ठीक है। तो कर लीजिए थैंक यू टेक केयर बाय जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में टेक केयर।